गाड़ी को चलाने का फील ही अलग है, बिकॉज देखो आप पैर आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो फुटबोर्ड पे, चाहो तो यहाँ पर भी रख सकते हो। सबसे वैल्यू फॉर मनी राइड कनेक्ट एडिशन ये, बिकॉज इसमें आपको नीडेड सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इतनी ज्यादा इजी लग रही है ना, स्पेशली इसका नाम ही बर्गमैन स्ट्रीट है और यहाँ पर स्ट्रीट्स में चलाने में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। जो स्कूटर्स है ना मैक्सी स्कूटर, इनका ट्रेंड फॉरेन में बहुत ज्यादा है। इंडिया के लोगों को क्या चाहिए, सिंपल सोबर डिजाइन वाली स्कूटर, उन्हें कुछ ऐसे। बट अगर आपको बूट में ज्यादा अच्छा स्टोरेज चाहिए ना, तो आपको जुपिटर 125 लेना पड़ेगी। बिकॉज यहाँ पर मैं आपको थोड़े ऑफ रोडिंग पैचेस में इसके ब्रेक टेस्ट करके दिखाता हूँ। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग राइड वीडियो लेकर आया हूँ, बिकॉज मेरे पीछे फ्रेम में ऑल न्यू सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 प्रॉपर आज इसको राइड करके देखने वाले हैं। बिकॉज मेरे चैनल पर 125 सीसी की ऑलमोस्ट सारी स्कूटर्स पर राइड वीडियो लेकर आ गया हूँ, जिसमें जो हमारी शेड्यूल बाई सीरीज रहती है उसमें हमने एक्सिस 125, जुपिटर 125 सब पे कवर कर ली। बट बहुत सारे व्यूअर्स के बर्गमैन के लिए कॉमेंट्स आ रहे थे, बिकॉज ये मोस्ट अपीलिंग स्कूटर है, मतलब जिसे एक बोल्ड एंड मस्कुलर लुकिंग स्कूटर चाहिए देन दिस स्कूटर इज फॉर यू। प्रॉपर इसको राइड करके देखने वाले हैं, क्या कुछ कंफर्ट है, क्या कुछ माइलेज है, सारी बातें शेयर करूंगा। प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 95,000 रुपीज एंड गोज अप टू 1,15,000 रुपीज। वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इन द ईयर 2024 एक 125 सीसी की स्कूटर लेने का प्लान कर रहे थे, कौन सी भी स्कूटर लेने का प्लान कर रहे थे, बट इस वीडियो में हम सारी बातें करने वाले हैं, इसलिए ज्यादा टाइम यहाँ वेस्ट करते नहीं है। GoPro को माउंट करता हूँ और चलते हैं इसकी राइड पर। जी रही बर्गमैन की कीज, चलते हैं इसको राइड करने के लिए। और ग्रीन कलर लेकर आया हूँ, मैट ग्रीन कलर, कैसा लग रहा है ये कमेंट में जरूर बताना। क्विकली आपको इसका लुक चेकआउट करा देता हूँ, देन वी विल राइड इट। फुल LED सेटअप मिलता है और ये देखो यार कितनी बोल्ड एंड मस्कुलर प्रोफाइल है। जितनी भी इस सेगमेंट में स्कूटर्स आती है ना, सबके कंपैरिजन में काफ़ी बोल्ड एंड मस्कुलर लगती है। सीट भी देखो आप काफ़ी बड़ी सी मिलती है, बट एक ही नेगेटिव मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। आपको अगर फ्यूल फिल कराना है, एक्सिस 125 भी हो तो रियर में मिल जाता है, जुपिटर में तो सबसे बढ़िया यहीं पर मिल जाता है, बट इसमें आपको आज भी ओल्ड फैशन वाला यहाँ पर फ्यूल लिट मिलती है। बूट स्टोरेज की बात करें, 21.5 लीटर का बूट स्टोरेज यहाँ पर मिलता है, सफिशियंट है। वैसे तो देखो आपका हाफ साइज हेलमेट भी है तो वो इजीली आ जाएगा। चलते हैं आज प्रॉपर राइड करेंगे इसको। और इसमें देखो तीन वेरिएंट्स आते हैं, अगर आप EX वेरिएंट लोगे ना, इसके ऊपर आता है, उसमें आपको 10,000 रुपये और देना पड़ेंगे राइड कनेक्ट से, तो उसमें आपको यहाँ पर आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिल जाएगा, बट इसमें आपको इस टाइप का मिलता है सेल्फ। थोड़ा सा यहाँ पर देखो ऑफ रोडिंग पैच है, नो डाउट यार इस हैंडल के साथ चलाने में काफ़ी मज़ा आता है। मतलब ये सच में जितनी भी प्रीमियम स्कूटर्स आती है ना इंडियन मार्केट में, वो वाला फील ये देने वाली है, बिकॉज बॉडी वहीं पर रहना, ये हैंडल हिलना, मतलब आपको बहुत ही महंगी एडवेंचर स्कूटर्स में मिलता है, वही वाला फील आपको ये स्कूटर प्रोवाइड करने वाला है। सबसे पहले इनिशियल पिकअप से स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, मैं बोलना चाहूँगा पावर डिलीवरी तो लीनियर ही है, 124 सीसी का सेम एयर कूल्ड इंजन मिलता है जो आपको एक्सिस 125 में आता है। 8.7 PS की पावर एंड 10 Nm ऑफ टॉर्क की गाड़ी प्रोड्यूस करती है। अगर आप जुपिटर 125 से कंपेयर करते हो तो जुपिटर में पावर भले ही कम है, 8.15 PS की पावर है, बट टॉर्क उसमें 10.5 Nm का मिलता है, तो उसमें टॉर्क आपको ज़्यादा बेटर मिलता है। ओवरऑल यार इस गाड़ी को चलाने का फील ही अलग है, बिकॉज देखो आप पैर आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो फुटबोर्ड पे, चाहो तो यहाँ पर भी रख सकते हो। मतलब मेरी हाइट 5'6" है, मुझे यहीं पर कंफर्ट लग रहा है, बट अगर आप 5'10" हो, 5'11" या फिर 6 feet भी हो ना, तो आप यहाँ पर पैर आराम से रख सकते हो। नो डाउट यार काफ़ी मज़ा आ रहा है स्कूटर को चलाने में। अब देखो ये जो अभी मैं राइड कनेक्ट एडिशन राइड कर रहा हूँ ना, इसकी एक्सशोरूम प्राइस है 99,000 रुपीज़। तीन वेरियंट मिलते हैं स्टार्ट फ्रॉम 95,000 रुपीज़ और जाते हैं 1,15,000 रुपीज़ एक्सशोरूम तक। और वो जो टॉप वेरियंट है वो है EX वेरियंट। उसमें आपको क्या खास चीज़ मिलती है, उसमें एक तो आपको रियर टायर 12 का मिलता है, जो कि सारी स्कूटर में ऑलमोस्ट 10 inches का आता है। साथ ही में कॉस्मेटिक चेंजेस बहुत सारे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत कम लोग कंसिडर करते हैं। सबसे वैल्यू फॉर मनी राइड कनेक्ट एडिशन ये, बिकॉज इसमें आपको नीडेड सारे फीचर्स मिल जाते हैं। थोड़े टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 110 kg का इस स्कूटर का वेट है, साथ ही में इसमें आपको मिलता है 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, और जो सीट है ना काफ़ी बड़ी है, मतलब मैं भी हूँ पीछे, पिलियन भी बैठा है, कंफर्ट बहुत बढ़िया है, मतलब तीन लोग भी आप बैठ सकते हो, जो कि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। और यहाँ पर आप देखो ये हैंडल बार के कारण क्या है ना, चलाने में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, इतनी ज़्यादा इजी लग रही है ना, स्पेशली इसका नाम ही बर्गमैन स्ट्रीट है और यहाँ पर स्ट्रीट्स में चलाने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मतलब आप ऐसा मत समझना कि मैं ऐसे ऐसे चला रहा हूँ, बट ये गाड़ी वो कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर आप चेकआउट करो, फ्रंट में डिस्क रियर में ड्रम मिलता है। एक बार इसके ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं, बिकॉज फ्रंट रियर दोनों में 90 सेक्शन टायर्स आपको मिलते हैं। लेफ्ट लेन में लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा क्या ट्रैफिक वाला एरिया है ना, इसलिए देख के करना पड़ती है। अब यहाँ पर इसके ब्रेक टेस्ट करते हैं। ये गाइस देखो
फ्रंट ब्रेक के जितनी अच्छी बाइट है ना उतनी रियर ब्रेक की भी है, बिकॉज जितनी मैं स्कूटर चलाता हूँ ना रियर ब्रेक की बाइट इतनी प्रॉपर नहीं रहती, बट यहाँ पर आप देखोगे ना दोनों ही ब्रेक की बाइट काफ़ी बढ़िया है नो डाउट। और पोस्चर इतना बढ़िया है ना, ये आती है मैक्सी स्कूटर सेगमेंट में। अब ये ऐसा स्कूटर है इंडियन मार्केट में जो आपको इस प्राइस पॉइंट पे तो मिलता ही नहीं है। और ये जो स्कूटर्स है ना मैक्सी स्कूटर, इनका ट्रेंड फॉरेन में बहुत ज्यादा है। इंडिया के लोगों को क्या चाहिए, सिंपल सोबर डिजाइन वाली स्कूटर, उन्हें कुछ ऐसे लुक्स पसंद ही नहीं आते। बट मैं आपको बताना चाहूंगा इससे कंफर्टेबल स्कूटर नहीं रहने वाला, बिकॉज इससे अगर आप ऑफ रोडिंग पे ले जाते हो, सिटी में चलाते हो, एज वेल एज हाईवे पे चलाते हो, तीनों जगह परफेक्ट आपके लिए रहने वाला है। इसलिए स्कूटर का नाम ही मैक्सी स्कूटर है, जो कि ऑल टेरेन स्कूटर रहते हैं, सब टाइप आप चलाओ कोई भी इशू नहीं आने वाला है। और साथ ही में इंडियन मार्केट में आप चाह रहे हो इसी शेप में इसी टाइप स्कूटर, तो आपको एप्रिला SRX 160 मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, ऑलमोस्ट 1,45,000 रुपीज तो उसकी एक्स शोरूम प्राइस है। तो कम पैसे में आपको पूरा फील ये देने वाली है। यूटिलिटी स्पेस भी बहुत सारी मिल जाती है, एक तो यहाँ पर मिल जाती है जिसमें आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। बट अगर आपको बूट में ज्यादा अच्छा स्टोरेज चाहिए ना, तो आपको जुपिटर 125 लेना पड़ेगी, बिकॉज उसमें आपको 33 लीटर की बूट स्पेस मिलती है। अब इसमें है 21.5, वैसे तो ये भी सफिशियंट हो जाती है, बट 33 तो मोर देन इनफ है, मतलब बहुत बढ़िया बूट स्पेस उसमें आपको मिलती है। वो ओवरऑल ऐसे आपको देखो जज करने में तो कोई इशू ही नहीं आएगा, आप बिलीव नहीं करोगे। फर्स्ट टाइम मैं बर्गमैन चला रहा हूँ, बट चला के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि यार मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ, बहुत इजीली आप एडॉप्टेबल हो जाओगे। और स्पेशली जो भी कोई स्कूटर एंथुजियास्ट है जिन्हें चलाने का फील चाहिए ना, उनके लिए स्कूटर रहने वाली। अभी देखो गाइस मैं ट्रैफिक में राइड कर रहा हूँ, बहुत सारे फीमेल राइडर्स भी है जो इसे कंसिडर कर रहे होंगे ऑफिस जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए या फिर कोचिंग जाने के लिए। तो देखो इसका वेट रहने वाला है 110 kg, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। बट इस गाड़ी की सीट हाइट 780 mm है, तो मेरे पैर तो आराम से टिक रहे हैं। अगर आपकी हाइट 5'5" भी है फिर भी आप इस स्कूटर को इजीली चला सकते हो। साथ ही में हैंडल बार और लीवर में गैप काफी कम है, तो आपके हाथ अगर छोटे हैं ना फिर भी आप इसको इजीली राइड कर सकते हो। और ब्रेकिंग बाइट नो डाउट काफी बढ़िया यहाँ पर ब्रेकिंग बाइट मिल रही है। सुजुकी कभी भी अपनी फिट एंड फिनिश में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता इस गाड़ी की। अगर आप कलर स्कीम देखोगे, पैनल्स देखोगे ना, कहीं भी आपको कॉस्ट कटिंग फील नहीं होगी, जो कि सबसे बढ़िया चीज लगती है। और हम वर्डिक की ओर भी बढ़ेंगे कि नहीं स्कूटर लेना चाहिए, और आप भी अगर एक्सिस, जुपिटर, एंटॉर्क इसमें कंफ्यूज हो तो कौन सी स्कूटर आपके लिए, ये मैं वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं इसके माइलेज के बारे में कि यार आपको ये माइलेज कितना देने वाली है। तो देखो एक्सिस और इसके माइलेज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिकॉज ओवरऑल इंजन भी सेम है, वेट भी 2-3 किलो का फर्क है। तो एक्सिस भी लोगों को अराउंड 38 से 40 तक का सिटी में दे ही देती है, हाईवेज पे किसी को 50 प्लस भी दे देती है। बट मैं आपको एक फिगर बताऊं तो आपको 45 से 50 के बीच में गाड़ी हाईवे पे आराम से निकाल के दे देगी, और सिटी में आप अराउंड 38 से 42 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं एग्जैक्ट फिगर इसलिए नहीं बता रहा हूँ बिकॉज ये स्कूटर सेगमेंट ऐसा है ना, कोई भी किसी भी तरीके से चलाता है, तो वो एक चीज़ हो जाती है। सस्पेंशन भी काफ़ी बढ़िया है, रियर सस्पेंशन आपको थोड़े स्टिफर साइड लगने वाले हैं। बाकी ओवरऑल कोई मेजर प्रॉब्लम की बात करें तो ऐसा कोई इस गाड़ी का नेगेटिव है नहीं, वो मैंने फ्यूल टैंक वाला बताया, उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। 5.5 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। साथ ही में ये गाड़ी इंडियन मार्केट में 2018 में आ गई थी, बट बहुत सारे लोग इसे कंसिडर नहीं करते थे। बट अभी 2023 से जो है रील पे चल पड़ी है ना, बहुत सारे नामों से गाड़ी इंडियन मार्केट में फेमस हो गई है, तब से इसका सेल बहुत ज़्यादा बढ़ा है। बिकॉज सुजुकी की एकमात्र स्कूटर बिकती थी जो लोग आग बन करके लेते थे, वो थी एक्सिस 125। बट जब से इंस्टाग्राम पे छा गई है, सेल इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और देखो आपको इसे टर्न करने में भी कोई भी इशू नहीं आएगा, ईजिली आप इसे कम्यूट कर सकते हो। ये देखो थोड़े से ऑफ रोडिंग एरिया पर भी इसके एक बार ब्रेक टेस्ट करते हैं, बिकॉज अगर आप कच्ची सड़कों के लिए इस स्कूटर को कंसिडर करना चाह रहे हो, आपका ऑफ रोडिंग यूज़ रहने वाला है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़े ऑफ रोडिंग पैचेस में इसके ब्रेक टेस्ट करके दिखाता हूँ। यह देखो क्या गजब की ब्रेकिंग है यार, मतलब मुझे इस स्कूटर में फ्रंट में डिस्क है फिर भी रियर ब्रेक की बाइट ज़्यादा लग रही है। मतलब ये देखो ये फ्रंट ब्रेक है और रियर ब्रेक आपको दिखाता हूँ, रियर ब्रेक ज़्यादा रिस्पॉन्सिव लग रहा है, नॉर्मल सा हॉर्न आपको इसमें मिल जाता है। और ये चेकआउट करो यार, मतलब आप ऐसा मत सोचना कि मैं ऐसे ऐसे गाड़ी चला रहा हूँ, इसको चलाने में फील ही इतना प्यारा आ रहा है। अब वर्डिक की बात करते हैं, ओवरऑल तो देखो मैंने आपको सारे स्पेक शेयर कर दिए, वर्डिक में ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, इतनी सारी स्कूटर से इस स्कूटर को किने लेना चाहिए। अब देखो गाइज मैंने मेरी रिव्यू वीडियो में भी बोला था, अगर आप एक ऐसी स्कूटर चाह रहे हो जिससे आपको लुक से मतलब नहीं है, पॉइंट ऐसे पॉइंट भी जाना है, तो आप कौन सी भी स्कूटर ले लो। बट अगर आप एक एंथुजियास्ट हो, बाइक एंथुजियास्ट हो, स्कूटर एंथुजियास्ट हो, जिससे गाड़ी चलाना पसंद है, एक कंफर्टेबल स्कूटर चाहिए, आप लॉन्ग राइड्स भी करोगे, सिटी में भी घूमोगे, यूनिक लुक्स वाली स्कूटर चाहिए, देन दिस स्कूटर इज़ फॉर यू। बिकॉज देखो आपको माइलेज तो डिसेंट मिल रहा है और सुजुकी की रिलायबिलिटी है, बिकॉज ये इंजन काफ़ी लंबे समय से एक्सिस में आ रहा है, तो एज सच आपको कोई इशू तो आने नहीं वाला है लॉन्ग टर्म में। और ट्रैफिक यहाँ पर देखते हुए कोई भी कहीं से आता है तो ये एक चीज़ रहती है।
तो ओवरऑल देखो ऐसे लॉन्ग टर्म में तो आपको इस गाड़ी के साथ कोई भी इशू नहीं आने वाला है। सर्विस कॉस्ट भी ऐसा कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब सुजुकी का मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं है, तो ओवरऑल आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। बट अगर आपको ज़्यादा कन्वीनियंट स्कूटर चाहिए जिसकी सीट ज़्यादा लंबी हो, बूट स्टोरेज ज़्यादा हो, फ्यूल डालना ज़्यादा ईजी हो और माइलेज इससे ज़्यादा मिले, तो फिर आपको जुपिटर 125 की ओर जाना चाहिए। बट ये लुक्स नहीं मिलेंगे, ये चलाने का फील आपको उसमें नहीं मिलने वाला है। तो ओवरऑल गाइज आज की राइड वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा आज की राइड देखने में। मुझे तो ये वीडियो ख़त्म करने की इच्छा नहीं हो रही है, बट वीडियो को तो एंड करना ही पड़ेगा। तो वीडियो यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।